चलिए आपके लेक्चर का रिवीजन वीडियो। इसमें कौन सी चीज़ हमने हेलोजिनेशन रिएक्शन पिछली बार पढ़ना स्टार्ट कर लिया था, उसमें हमने क्या बोला था, इट इज डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4। क्या होता है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे ब्रोमीन इन CCl4 एडिशन होता है एक्जैक्टली वैसा का वैसे ही क्या रहेगा, दैट इज क्लोरीन इन CCl4 एडिशन भी होता है, तो अल्किन अल्काइन पर क्लोरीन इन CCl4 एडिशन होगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज एंटी एडिशन से डाइक्लोरो प्रोडक्ट मिल जाता है ना। कौन सी चीज है, अल्कीन पर आयोडीन एडिशन नहीं होता है, क्योंकि क्या होगा, अल्कीन पर आयोडीन एडिशन से जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज अनस्टेबल, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पर आयोडीन आयोडीन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, है ना। तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, पर कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीक होता है तो टूट कर वापस से अल्कीन प्लस आयोडीन बन जाता है, इसलिए बोलते हैं नेट में देयर इज नो रिएक्शन। फिर कौन सी चीज होती है, अल्काइन पर आयोडीन एडिशन हो जाता है, क्योंकि अल्काइन पर आयोडीन एडिशन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें आयोडीन आयोडीन में डिस्टेंस ज्यादा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, बॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, दैट इज 120, और उसकी वजह से कौन सी चीज हो जाएगी, आयोडीन आयोडीन में रिपल्शन कम होते हैं, रिपल्शन के कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट इज क्वाइट स्टेबल, तो इसलिए अल्काइन पर आयोडीन एडिशन हो जाता है। एसिटाइलिन पर क्लोरीन एडिशन यदि हमको दो बार कराना है तो गैसियस क्लोरीन लेते हैं, बनने वाला प्रोडक्ट वेस्ट्रॉन कहलाता है, इसको लाइन के साथ फीड करते हैं तो वेस्ट्रोजोल बनता है, वेस्ट्रॉन वेस्ट्रोजोल दोनों क्या होते हैं, दीज आर इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स फॉर डिसॉल्विंग रबर। ब्रोमीन का भी यदि अल्काइन पर डबल एडिशन कराना है तो प्योर लिक्विड ब्रोमीन लेना पड़ता है। इसके बाद अल्काइन पर ब्रोमीन एडिशन जो होता है वो क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कैसे प्रूव करते हैं, तो हमने लगा ब्रोमीन इन CCl4 को यदि हम NaCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करने देंगे तो क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव है तो क्या होगा, यहाँ पर हम बोलेंगे कार्बन पर पॉजिटिव आएगा तो Cl नेगेटिव जोड़ सकता है, तो Cl नेगेटिव एक्चुअली हमको प्रोडक्ट में जुड़ा हुआ दिखता है, इसका मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो डायब्रोमो कंपाउंड के साथ रिएक्शन में ब्रोमो क्लोरो कंपाउंड भी मिल जाएगा। इसके बाद अल्कीन पर ब्रोमीन एडिशन कैसा होता है, दैट इज एंटी एडिशन, क्या होता है, Br2 ने अटैक किया, यहाँ पर एक Br इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में जोड़ता है, इधर जो कैटायन बनेगा इस पर Br अपने लोन पेयर से क्या कर लेगा, दैट इज NGP, इसके थ्रू क्या बन जाता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, जिस पर दूसरा Br ऑपोजिट साइड से ही अटैक करता है, तो कौन सी चीज हो जाएगी यहाँ, तो हम बोलेंगे डायब्रोमो कंपाउंड मिल जाता है, बट ब्रोमीन कैसे दिखेगा, दैट इज ऑन द ऑपोजिट साइड, है ना। अब क्या इसमें सिर्फ अल्कीन पर भी एंटी एडिशन होता है तो क्या बनता है, रेसिनिक मिक्सचर CaR, ट्रांस अल्कीन पर एंटी एडिशन से क्या बनता है, मीजो, दैट इज TaM, ठीक है, ट्रांस अल्कीन पर फिन एडिशन से क्या बनेगा, रेसिनिक मिक्सचर, दैट इज CsR, और सिर्फ अल्कीन पर फिन एडिशन से क्या बनेगा, दैट इज मीजो, दैट इज CsM, है ना। अब जैसे अल्कीन पर ब्रोमीन का एडिशन क्या होता है, एंटी एडिशन, वैसे क्या हो जाएगा, जो डायब्रोमो कंपाउंड है उससे जो अपन ब्रोमीन निकालते हैं तो वो भी क्या होता है, दैट अगेन इज एंटी, तो इनके रिजल्ट्स आर जस्ट ऑपोजिट। जैसे अल्कीन पर एंटी एडिशन करोगे तो रेसिमिक मिक्सचर मतलब इनेंशियोमर्स का मिक्सचर, तो जैसे इनेंशियोमर है डायब्रोमो वाला, तो इस पर यदि जिंक एंड मीथेनॉल डालकर क्या करवाएंगे हम, इलिमिनेशन, तो क्या ही रेसिमिक किससे मिल रहा था, तो हमने बोला सिस पर एंटी एडिशन से रेसिमिक, तो रेसिमिक मतलब इनेंशियोमर पर एंटी एडिशन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज सिस अल्कीन। वैसे ही ट्रांस पर एंटी एडिशन से क्या बना था, मीजो, तो जैसे ये मीजो है उस पर डी हैलोजिनेशन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज ट्रांस अल्कीन मिलती है। आगे बेटा समझ में, ठीक है। इसके बाद फिर अगली चीज जो अपन बोलते हैं इसमें कौन सी रहेगी, ब्रोमीन वाटर एडिशन। तो ब्रोमीन वाटर एडिशन में हमने क्या देखा था कि ब्रोमीन वाटर एडिशन इज नथिंग बट व्हाट, दैट OH नेगेटिव एंड Br पॉजिटिव का एडिशन। इसमें रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Br पॉजिटिव, जैसे ब्रोमीन एडिशन होता है वैसा का वैसे क्लोरीन एडिशन होता है ना। होगा क्या, तो बोलेंगे एक कार्बन पर OH और दूसरे पर Br, यहाँ पर कौन सी चीज होती है, डायब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है बट दैट इज माइनर। OH और Br वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, ब्रोमोहाइड्रीन, और OH और Cl वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, दैट इज क्लोरोहाइड्रीन। यहाँ डाइक्लोरो कंपाउंड जो रहेगा दैट इज व्हाट, दैट माइनर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, ठीक है। अब कौन सी चीजें यहाँ पर हम बोलते हैं, इसमें क्वेश्चन में आपको वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, अमीन कुछ भी दे सकते हैं ना, तो ब्रोमीन के साथ जो भी अपने को न्यूक्लियोफाइल दिया है उसका क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप में अटैक हमको करवाना है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अल्काइन पर जैसे क्लोरीन वाटर डालेंगे तो कौन सी चीजें, एक कार्बन पर OH और दूसरे पर Cl आ जाएगा, दूसरी बार जब एडिशन होगा तो हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, जिस कार्बन पर पहले Cl आया था उसी पर फिर से Cl पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि ये कैटायन क्या होता है, ऑक्सीजन के लोन पर से रेजोनेंस स्टेबिलाइज। उल्टा करते तो क्या होता, कैटायन क्लोरीन के लोन पर से रेजोनेंस स्टेबिलाइज होता, बट क्लोरीन का माइनस आया उसके रेजोनेंस पर डोमिनेंट है और OH का प्लस आर उसके माइनस आया पर डोमिनेंट है, तो ज्यादा स्टेबल कैटायन कौन सा, तो हम बोलेंगे कार्बन जिस पर OH लगा है वो वाला, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आया, दूसरी बार OH यही आएगा, एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल, वाटर निकल कर क्या बन जाता है, डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ठीक है। डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है थोड़े सा अमाउंट में,
क्या भी मिलेगा यहाँ पर, तो हमको लेके डाइक्लोर एसिटेल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से डाइक्लोर एसिटिक एसिड, फिर एसिटाइलिन के अलावा कौन सी भी और अल्काइन भी हम लेते हैं, तो यहाँ पर कौन सी चीज हो जाएगी, तो हमको लेंगे एक कार्बन पर OH और दूसरे पर Cl आ जाएगा मार्कोवानिक रूल के अकॉर्डिंग। फिर कौन सी चीज है जिस कार्बन पर OH उसी पर फिर से OH आकर लॉस ऑफ वाटर से यहाँ क्या बन जाता है डाइक्लोरोकीटोन बन जाता है। इसके बाद हमने ऑक्सीडेशन देखे थे, तो ऑक्सीडेशन में कौन सी चीज बोली थी अल्कीन पर ऑक्सीजन एयर से कर रहेंगे सिल्वर की प्रेजेंस में तो इपोक्साइड बन जाएगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन में हाइड्रोक्साइलेशन देखे हमने, हाइड्रोक्साइलेशन में सबसे पहला क्या है हाइड्रोक्साइलेशन है तो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड तोड़ना और दोनों कार्बन पर OH OH जोड़ना, ठीक है। इसके लिए सबसे पहला रिएजेंट कौन सा होता है दैट इज बेयर्स रिएजेंट विच इज 1% अल्कलाइन KNO4 अंडर कोल्ड कंडीशन, ये पिंक या पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है जो अल्कीन या अल्काइन से रिएक्ट करके डीकलराइज हो जाता है, इसलिए डीकलराइजेशन ऑफ बेयर्स रिएजेंट इसको भी यूज किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन। अल्कीन पर जब बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो साइक्लिक मैंगनीज ईस्टर बनता है, इस पर वाटर के अटैक से क्या हो जाएगा वाटर का OH MN पर आ जाता है और वाटर का एक कहां चला जाएगा ऑक्सीजन पर, दोनों OH कहां आ जाते हैं दैट इज ऑन द सेम साइड। तो बेयर्स रिएजेंट से होने वाला हाइड्रोक्साइलेशन क्या होता है दैट इज सिन हाइड्रोक्साइलेशन, ठीक है। इसके बाद अल्काइन पर KNO4 डालेंगे तो हाइड्रोक्साइलेशन दो बार हो जाएगा, एक ही कार्बन पर दो दो OH लॉस ऑफ वाटर से क्या बन जाता है इट इज विसिनल डाइकार्बोनाइल बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलते हैं कौन सी दैट इज हॉट KNO4 के रिएक्शन, तो इसमें हमने क्या होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़कर दोनों कार्बन को अलग करना है, दोनों पर क्या जोड़ना है दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या बने इट इज एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। यदि दोनों कीटोन होंगे तो रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी आगे नहीं बढ़ेगी, दोनों एल्डिहाइड होंगे तो क्या हो जाएगा दोनों फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोऑक्सैलिक एसिड में, एक एल्डिहाइड एक कीटोन होगा तो कीटोन तो वहीं रुक जाएगा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बोऑक्सैलिक एसिड, और यदि कार्बोऑक्सैलिक एसिड फॉर्मिक एसिड होगा तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें दैट इज इनटू CO2, ठीक है। ऐसा वाला ऑक्सीडेशन जिसमें क्या होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है इसको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी पर जब ये रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा तो हम बोलेंगे अल्काइन पर क्या होता है हमेशा दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं हॉट KNO4 से, और यदि बाय चांस फॉर्मिक एसिड हुए तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इनटू CO2, ठीक है। इसके बाद हम कौन सी चीज बोलते हैं कि रिएक्शन में जो हॉट KNO4 काम करता है यही काम कौन करेगा एसिडिफाइड KNO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 या KNO4+NaIO4, इसको लिमिट रिएजेंट भी कहा जाता है ना। फिर एक और जो हाइड्रोक्साइलेशन होगा किससे होता है दैट इज विथ OSO4 या RuO4, ठीक है। इनसे जो हाइड्रोक्साइलेशन होगा इसके लिए OSO4 फॉलोड बाय NHSO3+H2O2 लेते हैं, ठीक है। इससे होने वाला हाइड्रोक्साइलेशन क्या रहेगा दैट इज अगेन सिन हाइड्रोक्साइलेशन क्योंकि KNO4 टाइप का मैकेनिज्म ही फॉलो करता है, ठीक है। RuO4 भी वाला काम कर पाएगा अल्काइन के ऊपर जब करवाएंगे तो यहाँ फिर से क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सिलेशन दो दो बार हो जाएगा एक कार्बन पर दो दो OH तो लॉस ऑफ वाटर से क्या बन जाएगा दैट इज विसिनल डाइकार्बोनाइल बन जाता है, ठीक है।